हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल बेसिक नॉलेज में दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले आप फिजिक्स का टॉप फिफ्टी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित सवाल आप लोग एग्जाम में कल जरूर देखने को मिल सकता है जी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक भी सवाल मिस नहीं कीजिएगा झारखंड पॉलिटेनिक के लिए रामबान प्रश्न है और इससे संबंधित सवाल कई बार पूछे गए हैं और पूछने की प्रबल संभावना है तो चलिए सवालों को देखते हैं एक भी सवाल मिस नहीं कर आपके जितने सारे दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए देखते हैं सवालों को सबसे पहला सवाल दोस्तों देख सकते हैं पचास किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का देखिए इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे ठीक है क्या देखिए कि एक मतलब पचास किलोग्राम का कोई द्रव्यमान का कोई लड़का है मैदान में खड़ा है और उस पर पांच न्यूटन का बल लगता है मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल ठीक है क्या बोला एक है किलोग्राम और उस पर पांच न्यूटन का बल लगता है तो मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल है तो कितना बल है भाई न्यूटन का तीसरा जानते ऑपोजिट रिएक्शन जितना बल लगाते हैं उतना बल उस पर भी लगता है ठीक है तो लड़का मैदान में खड़ा है और उस पर पांच सूटन का बल लगता है तो मैदान द्वारा लड़का पर कितना बल है पांच सौ लीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट बड्डी बाली ठीक है पांच न्यूटन बल द्वारा बीस किलोग्राम की वस्तु पर उत्पन्न त्वरण निकालना होगा भाई क्या है एफ का वैल्यू दिया है कितना पांच न्यूटन ठीक है एम का वैल्यू दे दिया है कितना एम का वैल्यू दे दिया है बीस के जी और तौरण ए निकालना है तो हम लोग जानते हैं भाई ए निकालना है ना एफ क्या होता है बताओ एफ इक्वल टू एम ए होता है एफ कितना है पाँच है तो एम का जगह पर कितना बीस और ए आपको निकालना है ठीक है तो इसको करो ऐसे एफ की जगह हम क्या लिख देंगे एफ ईक्योलू एम ए ना तो पाँच इक्वल टू एम ए तो एम के जगह पे हो जाएगा बीस और इन टू ए तो भाग कर दो भाई पाँच बटा बीस हो जाएगा इधर के इक्वल टू ए इसको भाग करोगे तो आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा नेक्स्ट केपलर के ग्रहों की गति के सिद्धांत के अनुसार केपलर के ग्रहों के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा भाई तो याद रखिएगा तो इसका सही उत्तर दोस्तों आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आर क्यू क्या हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ठीक है सूर्य से किसी जो ग्रह है कोई उसका औसत दूरी का जो घन होता है ठीक है उसकी परिक्रमा परिक्रमा करने में लगा समय का वर्ग के समानुपाती होता है तो 103 का सी सही हो जाएगा 104 सौ चार आर त्रिजा के पृथ्वी के, के केंद्र पर वस्तु का भार है देखिए पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होता नहीं याद हमेशा शून्य होता है अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे किसी भी वस्तु का भार भार निकालना चाहोगे क्या हो जाए? हो जाएगा जाएगा शून्य उसका भार। क्योंकि पर भार ग्रेविटी जीरो होता है जी का मान जीरो होता है कौन सा मान भाई छोटा जी का वैल्यू क्या हो जाता है जीरो हो जाता है ठीक है ठीक तो चलिए अगला सवाल देखिए इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो देखिए जूल न्यूट्रनमीटर किलो वाट भाई किलोवाट जो है ना ये क्षमता का मात्रक है भाई वाट होता है पावर क्षमता का होता है ना वाट लगा देगा क्षमता कैसा मात्रक तो जूल जूल भी होता है न्यूटन मीटर भी होता है ठीक है तो किलो वाट दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर आ, नहीं होता ऊर्जा का मंत्र ठीक है नेक्स्ट एक सौ वाट का विद्युत बल्ब एक मिनट में कितनी ऊर्जा परिवर्तित करती है तो आपको लोग एक फॉर्मूला याद रखिए कौन सा फॉर्मूला सर ठीक है ऊर्जा निकालने बोला है ना ठीक है ऊर्जा तो ऊर्जा के लिए आप फॉर्मूला रखिए पी इंटू टी होता है क्या होता है पी इंटू टी पावर इंटू टाइम पावर इंटू टाइम इससे आपका ऊर्जा निकलता पावर कितना है भाई वाट का है टाइम कितना लग रहा भाई मिनट एक मिनट एक अर्थात साठ सेकंड तो सेकंड को सौ से गुना तो भाई हजार और क्या नहीं है तो जूल हो जाएगा 6000 हजार जूल इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्लियर है चलिए अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट एक सौ सात जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर धरती पर गिरती है तो कुल ऊर्जा कितनी होगी तो देखिए जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से मतलब बिल्कुल उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है एक्स्ट्रा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है उस पर तो वो दोस्तों उसका जो कुल ऊर्जा होता है ना वो स्थिर रहता है ना घटता है ना बढ़ता है क्यों अरे भाई जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे डाउन होगा उसका स्थिर ऊर्जा घटती जाएगी ऊर्जा बढ़ती जाएगी ठीक है तो मतलब जो कहो कुल ऊर्जा होता है ना वो स्थिर रहता है सोनार में हम लोग उपयोग करते हैं क्या तो सोनार में दोस्तों हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करते हैं किसका अल्ट्रासोनिक उसका सही उत्तर हो जो ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक तरंग ठीक है सोनार जिसमें आप लोगों को मतलब इसका यूज़ किया जाता है कि पानी के कितना अंदर में कोई पत्थर है ये सब जहाज़ों के चलने के लिए यूज़ किया जाता है जहाज़ ताकि पानी में चले ताकि कितना अंदर में पत्थर है पता चल जाएगा ताकि वहाँ से सीधा अल्ट्रासोनिक वेव भेजा जाएगा और जितना टाइम में वो वापस आ जाता है वो टाइम का कैलकुलेशन करके डिस्टेंस निकाला जाता है कि कितना अंदर में वहाँ पर कोई पत्थर है मतलब या फिर कुछ चीज़ है ये भूकंप के समय किस तरह की, की ध्वनि उत्पन्न होती है अरे भाई ऐसा जैसे मान लो ये जहाज पानी में जा रहा है मतलब पानी मान लो पानी का स्तर है ठीक है यहाँ पर एक कंकर है कुछ पत्थर है बहुत बड़ा अब इसका डिस्टेंस निकाले तो यहाँ सीधा यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव भेजेगा ठीक है कितना अल्ट्रासोनिक वेव का स्पीड पता कर लिया और ये ये क्या कितना स्पीड से जा रहा है ठीक है कितना स्पीड से जा रहा है और जान में कितना समय लग रहा है ये पता कर लिया तो दूरी निकल जाएगा नेक्स्ट भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड सैप ध्वनि किन में से कोई नहीं तो इसका तो हो गया भाई अल्ट्रासोनिक ना तो इसका क्या हो जाएगा भाई क्या देखिएगा जो भूकंप होता है ना उसके क्या इंफ्रासाउंड उत्पन्न होती है तो एक का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है

कम से कम कितना दूरी होना चाहिए याद रखिए सेवेंटीन पॉइंट टू मीटर ठीक है सत्रह दशमलव दो मीटर मिनिमम दूरी वहाँ पर कम से कम दूरी होनी चाहिए ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए जब निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित करते हैं तो हम लोग बढ़ाते हैं जब आवाज़ कम होता है और उसको हम लोग जब ऊँचा करते हैं बढ़ाते हैं तो क्या बदलते हैं याद रखिएगा तो हम लोग आयाम को बदलते हैं भाई आयाम को बढ़ाते हैं मतलब एम्प्लीट्यूड को बढ़ाते हैं तो ध्वनि हमें ऊँचा सुनाई देता है जी का मान चंद्रमा की सतह पर होता है बताओ तो देखिए आपको पता है कि पृथ्वी पर जो भार होता है ना चंद्रमा पर उस भार का एक बटे छह गुना होता है मतलब चंद्रमा पर भार पृथ्वी पृथ्वी -पर, पर भार का एक बटे गुना होता है तो क्यों होता है भाई द्रमान में कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है तो कहां पर फर्क पड़ता है जी पे तो याद रखिए चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व धोन होता है ना वो पृथ्वी पर कितना होता है एक बटा छ होता है मतलब जी बटा सिक्स हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाए चंद्रमा पर कम हो जाएगा जी का मान पृथ्वी पर जी का मान कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही तो है ना ठीक है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा इसका कम हो जाएगा तो पृथ्वी की सतह से कम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट इनमें से कौन सा सही रहे? भाई समझाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए मार दो जी नेक्स्ट जी का मान अधिकतम होता है तो जी का सबसे ज्यादा मान कहां पर होता है ठीक है याद रखिये जो जी का सबसे ज्यादा मान होता है ना वो होता है ध्रुव पर ध्रुव बोले तो पोल पर याद रखिएगा जो जी छोटा जी, जी अरे जी का वैल्यू क्या होता है नाइन पॉइंट एट होता है कि नहीं होता है तो इसका सबसे ज्यादा मान पृथ्वी के किस जगह पर होता है तो ये होता है इक्वेटर सॉरी इक्वेटर पर पोल पर ठीक है पोल यानी कि ध्रुव पर हाँ लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे कम मान कहां होता है मिनिमम वैल्यू कहां होता है तब बोलिए इक्वेटर तो याद रखिए सबसे ज्यादा मान होता है ध्रुव पर और सबसे कम मान होता है इक्वेटर पर ठीक अगला सवाल लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं किया था तो जल का उपयोग कांच का उपयोग प्लास्टिक का 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 उपयोग उपयोग क्ले तो भाई ये जल का भी करते हैं कांच का भी करते हैं प्लास्टिक का भी करते हैं बस क्ले क्ले का उपयोग नहीं करते हैं ठीक है दीके? क्ले का अर्थ क्या होता है क्या आप लोग ठीक है चलिए आगे, आगे देखिए डिक्शनरी <laughs> पढ़ने के लिए आप इनमें से किस लेंस का प्रयोग करेंगे बताइए डिक्शनरी पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे उत्तर लेंस इसका फोकस पचास सेंटीमीटर हो अवतल लेंस जिसका फोकस 50 सेंटीमीटर हो उत्तर लेंस जिसका फोकस 50 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो या फिर अवतल लेंस जिसका फोकस 5 सेंटीमीटर हो इसका सही उत्तर दोस्तों ये तो हो गया ना एक मिनट तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना ये उत्तर लेंस हो जाएगा ठीक है और जिसका फोकस कितना हो जाएगा जिसका फोकस सेंटीमीटर हो जाएगा पांच सेंटीमीटर ठीक है क्या हो जाएगा पांच सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर

ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है ठीक है चलिए तो वन बाई भी माइनस वन बाई यूल वन बाई एफ सही हो जाएगा नेक्स्ट एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है पच्चीस सीनेट होती है और अगर अधिकतम पूछा तो आनंद हो जाता है याद रखिएगा किसी वस्तु का प्रतिम मानव आंख पर कहाँ बनता है तो ये रेटिना पर बनता है सभी को पता है 120 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आगे देखिए ये सब तो बताया था आप तो लोग टेंथ क्लास में भी गाड़ी में लगा दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है गाड़ी में लगा दर्पण गाड़ी में जो दर्पण लगा होता है वो आवर्धन कितना करता है तो आपको याद होना चाहिए भाई हम लोग पीछे का दृश्य देखने के लिए ये उत्तल दर्पण लगाते हैं उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिम्बं बनाता है और याद रखिएगा जब भी प्रतिम्ब छोटा बनेगा तो जो आवर्धन होगा ना एक से कम हो जाएगा क्यों क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला होता है भाई एच डेस बाई एच एच डेस बाई एच अर्थात प्रतिम्ब की ऊंचाई बटे बिम की ऊंचाई और जब प्रतिम्ब की ऊंचाई भाई छोटा हो जाए बिम की ऊंचाई से तो एक से हमेशा कम ही होता है ना मान लो प्रतिम की ऊंचाई दो मीटर है और बिम की ऊंचाई पांच मीटर है भाग दोगे तो भाई एक से छोटा होगा कि नहीं होगा तो याद रखिए जब भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो उसका जो आवर्धन होगा ना एक से कम हो जाएगा और अगर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा एक से ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा गाड़ी में लगा दर्पण से जो आवर्धन उत्पन्न हो होगा एक से कम हो जाएगा एक से कम ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट यदि आपका प्रतिमा दर्पण में सीधा बनता है तो दर्पण होता है तो सीधा किसे में बनता है समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में समतल दर्पण डेली अपना चेहरा देखते हो या फिर उत्तल दर्पण ठीक है जो गाड़ी का रियर व्यू मतलब पीछे का दृश्य देखने में लगा होता है ठीक है आगे देखिए आंख का कौन सा भाग मृत्यु के बाद दान में दिया जाता है ठीक है तो कॉर्निया आयरिस रेटिना की पिपिल तो दोस्तों दान में कॉर्निया को दिया दियाको कॉर्निया को एक सौ तेईस का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है एक सौ क्या तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा चलिए रेटिना पर बना वास्तविक प्रतिमा सॉरी प्रतिमा होता है तो रेटिना पर हमेशा वास्तविक और पर उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ठीक चलिए अगला देखिए इनमें से कौन दर्पण सूत्र देखिए फिर दर्पण सूत्र पूछ दिया तो 125 सौ का क्या हो जाएगा अरे भाई दर्पण सूत्र होता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू यही तो होता है ऑप्शन नंबर ए को मार दो सही आगे देखो किसी लेंस की क्षमता का सूत्र है भाई लेंस की क्षमता को किससे मापते हो डायोप्टर से देखो इस चैप्टर से कितना आसान सवाल तो इस चैप्टर से आपका कि कहाँ पर वस्तु को रखने पर कहाँ पर प्रतिम बनेगा तो ये सारे सवाल आ सकते हैं और भी एक्स्ट्रा तो ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण प्रकाश चैप्टर से काफी सारे काफी सारे सवाल आप एग्जाम आते हैं स्नेल का नियम बता चुकेटे साइन आर क्या होता है, है साइनाए बटे साइन आर क्लियर है एक सौ अट्ठाइस किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं भाई किसी दर्पण के बीच के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं तो उसे बोलते हैं फोकस दूरी या फिर फोकल लेंथ या फिर फोकस आंतर तो देखो इंग्लिश में बोलता ना फोकस आप फोकस मत बोलना फोकस आंसर बोलते हैं उसको इसी को बोलता है फोकस दूरी और इसी को बोलता है इंग्लिश में फोकल लेंथ क्लियर है आगे स का हो गया ना नेक्स्ट उन्तीस किसी लेंस की क्षमता होती है तो क्षमता का फॉर्मूला पूछा है सिंपल सा क्या हो, जाए? पी, F हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा नेक्स्ट जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस पथ में परिवर्तन को कहते हैं देखो जब कोई प्रकाश मान लो ये कोई मान लो इसमें कोई कांच का बॉक्स है कांच का बर्तन मतलब कांच का कुछ है ठीक है अब प्रकाश ऐसे आ रहा है भाई ये ऐसे मुड़ जाएगी तो इस घटना को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन इंग्लिश में बोलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट

नेक्स्ट यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m के है वेग भी है तो इसकी गति ऊर्जा हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा जिसको बोलते हैं क्या हो जाएगा हाफ एम यानी वन बाई टू एम वी स्क्वायर नेक्स्ट श्वेत प्रकाश कहा जाता है श्वेत प्रकाश को क्या बोलता है भाई तो इसको बोलता है पॉलीक्रोमेटिक श्वेत प्रकाश का जो किरण होता है ना उसको बोलता है पॉलीक्रोमेटिक और वही अगर आपसे पूछा लेजर लाइट को क्या बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक याद रखिएगा इस प्रकार से लाइट आता है इस प्रकार से टिंग 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 टकरा 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 कर हमारे आंख तक पहुंचती है और जिस वजह से तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं इसमें कौन विद्युतीय क्षमता को नहीं बदलता मतलब नहीं बतलाता है रिप्रेजेंट नहीं करता था अभी इक्वल टू तो आई आर स्क्वायर जो होता है वो रिप्रेजेंट नहीं करता भीवल टू तो आई स्क्वाय आर भी होता है पी इक्वल टू तो वी आई भी होता है और भी स्क्वायर बटेआर भी होता है यानी आई आर स्क्वायर नहीं होता है एक सौ सैंतीस देखिए एक विद्युत बल्ब को दो सौ बीस वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया विद्युत धारा का मान जीरो पॉइंट पांच एम्पियर है बल्ब की क्षमता क्या होगी तो भाई पी कुल्ड भी आई लगा दो सिंपल सा बात है क्षमता होती है याद रखें रखिएगा रखे, पावर का भी आई हो जाता है भी आई मतलब दो सौ बीस गुने जीरो पॉइंट पाँच जी गुना कर देना एक सौ दस वाट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा नेक्स्ट ओम नियम के अनुसार इनमें से कौन सही है तो ओम के नियम के अनुसार तो पी कुल, भी कुल्ड आई आर भी होता है और आई कुल्ड भीवटे आर भी होता है यानी ये भी होता है ये भी होता है यानी एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जब कोई प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो समकक्ष समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है भाई समतुल्य प्रतिरोध तब होता है जितना तो है दे दो मतलब सिंपल सब जुड़ जाता है ऑप्शन नंबर ए वही अगर क्रम में बोलता तो क्या होता है तब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई अरे क्या हुआ आगे अगला सवाल देखिए एक सौ चालीस क्या बोल रहा है इनमें से कौन ठीक है इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है तो विस्थापन भी, भी सदिश राशि है वेग तौरण भी सदिश राशि है बल्कि आप लोग का जो चाल है ना भाई चाल की कोई दिशा नहीं होती है भाई परिमाण होता है बट दिशा नहीं होती है और दिशा नहीं होती है तो राशि सदिश राशि नहीं होगी इनमें से कौन तौरण का मात्रक नहीं हो सकता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है बट किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होता ये वेग का मात्रक होता है मतलब मीटर पर होता है उसको किलोमीटर परसेंट में लिख सकते हैं एक बस अपने चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है इसका तोरण कितना हो जाएगा तो देखो पहली भाई प्रारंभिक कितना है देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा में है इसको मीटर पर सेकंड बदलो तो भाई पांच बटे कितना से गुना करेंगे अठारह से गुना करें तो सिंपल सही हम पांच बजे अठारह से गुना करते हैं तो अठारह धुनी छत्तीस तो पांच धुनी दस हो जाएगा फिर भी कितना फाइनल छत्तीस के बाद कितना हो जाएगा रहा बहत्तर हो जा रहा है तो इसको भी मीटर पर सेकंड चो पाँच बजे अठारह से गुना कर दो अठारह तो पच्चीस और समय कितना है दस तो भाई यू है यू है कितना दस भी है बीस और टी है दस लगा दो फॉर्मूला ठीक है ये तो इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी होता है तो भी मतलब बीस माइनस यू मतलब दस और बटा टी मतलब दस है तो बीस में दस गया तो दस हो गया बटा में भी दस 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 कट जाएगा भाई एक आंसर आ जाएगा तो यहाँ पर एक क्या बोलता है बोलता है एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा देखिए अगर आप इसका यूनिट को नहीं बदलता क्योंकि ये सेकंड में है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा नहीं चलेगा भाई इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में आप यही यूनिट लगा के सर आंसर लाइएगा तो गलत आंसर हो जाएगा और आंसर मैच भी कर जाएगा देखिएगा में छत्तीस घटना छत्तीस आ जाएगा छत्तीस पड़ा दस करिएगा ठीक है थ्री पॉइंट सिक्स ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा मार देना गलत हो जाएगा तो ऐसा मत करना चाल समय ग्राफ का स्लोप देता है तो चाल समय ग्राफ चाल और समय जो चाल और समय का जो वेग ग्राफ होता है इस प्रकार से वो तोरण को है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इनमें से कौन सही संबंध है तो भी सही संबंध होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है नेक्स्ट एक सौ पैंतालीस में देखिये गतिमान वस्तु का जरूरत किस पर निर्भर करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर भाई किसी का भी जो जड़तव निर्भर करता है वो द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना अधिक जड़तो ठीक है जब टूथपेस्ट को दबाया जाता है तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है इसके लिए कौन सा बल उत्तरदाई है तो इसके लिए संतुलित बल उत्तरदायी है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये दर्मान के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रॉकेट दरमान संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है हालांकि इस टाइप के भी क्वेश्चन नहीं पूछाता नहीं क्या पता झारखंड बोर्ड हर एक प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है एक न्यूटन बराबर होता है तो एक न्यूटन बराबर कितना होता है आपको ये डाइन में पूछा है किसमें पूछा है भाई डाइन में तो देखो तो एक न्यूटन किसके बराबर हो जाता है ये दस के पावर में पाँच डाइन के बराबर हो जाता है यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नेक्स्ट संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा संवेग का मात्रक जो होता है के जी मीटर पर सेकेंड होता है संविक मतलब एम बी होता है ना तो एम बी मतलब के जी मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और अंतिम प्रश्न है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है तो ये अप्लाइड बल यानी आरोपित बल के बराबर होता है बल के बराबर होता है ठीक है तो दोस्तों टॉप फिफ्टी क्वेश्चन को देख लीजिए बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है भाई इससे सवाल बनेंगे ठीक है देखता हूँ अगर और होता है तो मैं आप आपको सवाल अपलोड कर दूंगा ठीक है चलो लव यू ऑल थैंक यू ऑफ मिलेंगे तो, तो, तो ले